तो साफ तौर पर रवनीत बिट्टू कह चुके ने कि पूरी तरह दे नाल संसद दा पुरजोर घेराव किया जाएगा ते खेती कानून रद्द तो बिना कुछ नहीं। तो गुरजीत औजला की कह रहे ने सुन लेने। सांसद गुरजीत सिंह औजला साढ़े नाल मौजूद ने। औजला साहब, संसद शुरू होने जा रही है, किसानी का संघर्ष लगातार चल आ रहा है, तुसी भी लगातार इत्थे सड़कों पर बैठे हो, लेकिन हुण संसद दे विच तुहानूं इन्हां दी किसानां दी आवाज़ चुकनी सी, लेकिन जिवें लाल किले की घटना वापरी है, की लगता है इस घटना के नाल अंदोलन में कुछ फर्क पेगा तो किवें तुसी इहदी आवाज़ चुकोगे? देखो, मसला तो हल नहीं होया, तीन कानून तो उत्थे ही खड़े ने कि जां ते मसला हल होया वो उस घटना के नाल। वो तो एक साजिश सी सरकार दी एजेंसियां दी, जिन्हां ने साजिश के तहत कुछ बंदियां नूं अपने वल करके तो उत्थों तक लै गए और बड़ा सॉफ्ट वे उन्होंने दिता कि थोड़ा थोड़ा पुलिस भी अगर बड़े आराम नाल हटती गई तो वो जिहड़ा सफल हो गए, क्योंकि ये शांतमई प्रदर्शन सी, शांतमई प्रदर्शन के नाल जन का समर्थन सी, लोगों का समर्थन सी, यही चाहते सी कि किसी तरीके दे नाल आप तो उगर नहीं हो रहे, पर ट्रैप च आ गए सारे, उत्थों तक चले गए, वो काम करता जिहड़ा नहीं सी करना चाहिए, वो शर्मनाक घटना सी, वो हो गई। कोई एक पहला टकराव नहीं पुलिस ना होया, सो जदों कोई प्रदर्शनकारी जाता है तो पहली गल तो यह भी वह गया क्यों, उत्थे उन्हें तो लिजाया गया, वह आराम ना बैठा सी, उत्थे जथेबंदियों का प्रोग्राम सी, एक जथेबंदी ने प्लस दो तीन बंदे नाल रल गए, पता नहीं वो की उन्होंने मन का ही मंशा सी, उन्होंने एक अपना रूट वखरा बना लिया जिहड़ा कि अपरूवड नहीं सी, और वो अपरूवड रूट नूं मतलब दिता भी बड़ा सॉफ्ट, ये नहीं जो पुलिस को पता लग गया कि इन्होंने रात कब्जा कर लिया स्टेज के उत्ते, कह रहे हैं कि इधर नूं जाना है, तो फोर्स तो बहुत बढ़ सकती सी, इत्थे कड़ा कोई एड्डा वड्डा काम है कि नहीं रोकया जा सकता, ये रोक सकते उसे पॉइंट से उन्होंने रोक सकते, उत्थों नहीं गांह तुर सकते, जां पड़ावां च रोक सकते सी, पर नहीं उन्होंने रोकने की मतलब लोड़ ही नहीं समझी। फिर जिहड़ा लाल किला सी उहदी सिक्योरिटी इन्नी जबरदस्त होंदी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वो लाल किला एड्डा ओपनली ईजीली उत्थे तक क्यों चले गए? पुलिस जिहड़ी तुसीं देखो जदों भज रही है, पुलिस एक बन्ने 500-700 हज़ार दे करीब पुलिस है, एक बन्ने मेरा ख्याल वध तों वध 5-4-10-10-20 बंदे आ रहे भजे उधर नूं, कदी आपां वेख्या ही पुलिस इदां दी कमजोर होगी? क्योंकि पुलिस नूं हुक्म दिते गए कि तुसीं बिल्कुल जदों आउणगे तुसीं पिछाह नूं भजना है, जां जो भी होया उत्थे वापरिया माड़ा वापरिया, साडा पुलिस दे विरुद्ध कोई गल होवे आपां इह बर्दाश्त नहीं करदे, क्योंकि कानून व्यवस्था उहनां दे हत्थां 'च हुंदी है, उह गलत होया, पर इह किते ना किते जिहड़ी साजिश आ बहुत वड्डी साजिश होई है इस अंदोलन नूं ढा लाउण दे विच, और जिहड़ा केशरी निशान साहब उत्थे चढ़ाया गया वो एक इस अंदोलन में वड्डी जिहड़ी ढा उस चीज़ नाल आई गई, तो वो चढ़ा दिया, एक तो यह अंदोलन एक फिरके का दिखा दिता गया भी एक फिरके का अंदोलन है, एक उन्होंने खालिस्तान नाल जोड़ के दिखा दिता गया भी एक खालिस्तानी लोग ने, जिहड़ियां चीज़ां मीडिया बड़े चिर दियां भुनना चाहुंदा सी, जिहड़ियां गल्लां करना चाहुंदा सी, उस चीज़ ते उत्ते मोर लगी है इस घटना तो बाद कि इन्हां दे विच खालिस्तानी भी सीगे? नहीं देखो, खालिस्तानी किसी झंडे ते नहीं लिखिया, वो निशान साहब है, वो निशान साहब तो हर गुरु घर चढ़िया है, पर समां और जगह गलत सी। संसद शुरू होने जा रही है, तुसी किवें दा हुण इतिहास बनाने जा रहे हो इस मुद्दे दे उत्ते? इतिहास नहीं जी, असीं तां देखो साडी ते एक लाइन है कि तीन कानून जिहड़े ने भैड़े ने, पहले दिन तो असीं उत्थे ही खड़े हाँ, MSP होनी चाहिए, असीं उहदी डिमांड करदे हाँ, और वो लिखती दिंदे सी कि इहने कानून बनाओ ने, तुसीं इह भुल गए भी जिहड़े 120 दे करीब उत्थे जानां गईआं ने, उहनां दा कदी वी तुसीं मतलब दुख नहीं जाहर कीता। मैं अज देख रहा सी, आ रहा सी कि अमित शाह जी जिहड़े नौजवान जिहड़े फटड़ होए आ मिल जा रहे, उहनां नूं चंगी गल है जाना चाहीदा, पर अमित शाह जी जिहड़े 120 शहीद हो गए सी उन्होंने परिवारों को सद के कितने सिंघू लागे मिल लेंगे, उन्होंने भी थोड़ा बहुत मरम लाओ लाओ, मैं तो कहूँगा उन्होंने को भी जाओ, उन्होंने को क्यों नहीं तुम अजे तक गए, उन्होंने को अमित शाह जी जान, और कानूनों जे कुछ बंदिया ने गलती की आदा मतलब ये नहीं कि किसान सुमेदा ही माड़ा हो गया या किसानों के कोई यही तड़ेड़ आई है, किसान उत्थे दा उत्थे खड़ा है, किसान का मन उस तरह ही आ, सरकार नूं जरूर ध्यान रखना चाहिए, सरकार भी बराबर की जिम्मेवार आ, ये जे इत्थों तक आए आ, इस सब तो वड्डा कसूर सरकार दा है, सरकार ये इन्नी कार्रवाई करके इन्ना मीडिया विखा के अपने आप नूं सुरखरू नहीं कर सकती कि ये साडा कोई कसूर नहीं, कुछ जे वो जिम्मेवार ने तो बराबर की भाईवाल सरकार भी आ। शुक्रिया। ऐसे अमृतसर के सांसद गुरजीत सिंह औजला जिन्होंने साफ किया कि निशान साहिब खालसा का निशान है ना कि खालिस्तान का, तो नाले उन्होंने कह कि सरकार भी इस मनभागी घटना के लिए जिम्मेदार है क्योंकि सरकार किसानों की मंग नहीं मन रही है, तो नाले उन्होंने उन लोगों के उत्ते कार्रवाई ना करने की भी अपील की है जिहड़े इनोसेंट ने, तो कुछ लोगों के बहकावे के उत्ते आके लाल किले पहुँच गए सी। हुण वेखना होएगा कि सरकार इस मामले दे विच किहो जी कार्रवाई करती है और की उन लोगों का अंजाम होंदा है। कैमरामैन प्रदीप दे नाल राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, दिल्ली।